हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम करेंगे मंदिर के साफ़ सफाई, और थोड़ा सा मैंने किया है मंदिर का मेकओवर लाइट्स वगैरह लगा के। तो वीडियो आपको जैसी भी लगे आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। सबसे पहले आ गई हूँ मैं मंदिर में, और मंदिर से जितने भी भगवान की फ़ोटोज़ पे हार वगैरह लगे थे वो सब मैंने निकाल लिए हैं धुलने के लिए। हमारे मंदिर में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, लेकिन आज मैं जो फ़ोटोज़ खंडित हो गई हैं उन्हें मैं अलग कर दूंगी इसमें से निकाल के, क्योंकि कहते हैं ना कि खंडित फ़ोटोज़ को मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। तो उन्हें मैं निकाल के अलग कर दूंगी, और छोटी बड़ी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं माता की चुनरी वगैरह, भगवान जी के वस्त्र, सब मैंने निकाल लिए। अब यहाँ पर मैंने एक साफ़ बकेट में गुनगुना पानी लेकर उसमें थोड़ा सा सरफ़ ऐड कर दिया है। भगवान जी के जो भी वस्त्र मैंने निकाले हैं उनको धुलने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी और जो भी डस्ट वगैरह इन पर लगी हुई है सारी निकल जाए अच्छी तरीके से, जो भी मैल वगैरह है इनमें अच्छी तरीके से निकल आएगी पानी के अंदर। हार वगैरह तो आप नए भी खरीद सकते हो अगर ख़रीदना चाहते हो, लेकिन मैं अक्सर जो पहले के रगे हुए हार होते हैं ना उनको ही अच्छी तरीके से धो के ऐसे यूज़ कर लेती। ये फेक फ्लावर्स वाली जो झालर रहती हैं लास्ट टाइम हम दिवाली पर लेकर आए थे, इनको भी मैं अच्छी तरीके से धो के इसी में थोड़ी देर के लिए रहने दूंगी, ताकि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। क्योंकि जो रियल फ्लावर होते हैं वो तो एक दिन में ही वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इनको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, सबको मैं निकाल कर बाहर एक मेज पर रख लूँगी। मंदिर में झाड़ू से मैंने सारे जाले वगैरह जो भी थे सारी धूल मिट्टी सब निकाल दिया है, और यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ। मार्केट से मैं ये रेड कलर का कपड़ा लेके आई थी जो कि बहुत सुंदर लगा था मुझे, पहले वाला मेरा ख़राब हो गया था। इस पर बहुत सुंदर स्वास्तिक और कलश का प्रिंट बना हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसको भी मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर बिछा दिया है। मंदिर से निकाले हुए सारे सामान को साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ एक बोल में गुनगुना पानी ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा जेल डिश वॉशर लिक्विड डाल लिया है, और अच्छी तरीके से सारी फ़ोटोज़ को मैं कर दूंगी यहाँ पर क्लीन। और एक साथ में गीला कपड़ा ले लिया है, एक एक करके सारी फ़ोटोज़ को मैंने साफ़ कर लिया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मेरे सारे हार वगैरह, चुनरी माता की, जो भी सब कुछ था सूख गया था, तो उन सबको मैं यहाँ पर मंदिर में दोबारा से रीअरेंज करने के लिए आ गई हूँ। जितनी भी खंडित फ़ोटोज़ थी, बड़ी बड़ी जो भी फ़ोटोज़ थी, वो सब मैंने मंदिर से हटा दी हैं, और अब छोटी छोटी फ़ोटोज़ रह गई हैं मंदिर में। ये एलईडी लाइट्स मैं मार्केट से लेके आई थी लगाने के लिए मंदिर के बाहर, तो इसके साथ मिला है एक रिमोट और एक अडेप्टर है अटैच करने के लिए, और ये वाइट वाला है सेंसर जिससे कि लाइट्स को हम चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से सीडी टाइप में ये मिलती है, कुछ टेप 2 से 2.5 मीटर के करीब होगी। ये लाइट्स लगाने में मेरे बेटे ने मेरी काफ़ी हेल्प की, वो मुझे गाइड कर रहा था कि मम्मा इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से लगाओ, तो मैंने भी जैसे उसने कहा उसी तरीके से लाइट्स को लगा दिया। अब ये जो मैंने झालर धुल के रखी थी वो भी सूख गई है, उसे भी मैंने लगा दिया है मंदिर के बाहर। बीच में एक मैंने तोरण भी लगाया है। यहाँ मेरा बेटा लाइट्स को दिखा रहा है रिमोट से चेंज कर करके। तो ये था फाइनल लुक हमारे मंदिर का। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।